जैसे मेरा कहने का मतलब है कि स्पेशली जैसे पवन भैया हैं, तो मैं अब आप जब बात करें तो मैं कलाकार की बात करूँगा, उनकी खैसियत यही है आज तक में कि वो हमेशा जब भी आएंगे तो वो अपने अंदाज में आते हैं, उनका एक मूड होता है, वो कुछ भी होगा, संगीत कहीं चीज़ होगा लेकिन संगीत में बात उनका होगा, अंदाज उनका होगा। वो अगर सपोज डेट कभी किसी ट्यून को छुए भी हैं, सपोज डेट कभी छुए भी हैं, तो उसका छूने का अंदाज पवन सिंह का होगा, धारा प्रवाह में नहीं होगा। तो अब क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं क्यों, तो वो रियल में कलाकार है। जिस व्यक्ति ने अपना 27 साल 28 साल 29 साल दे दिया हो संगीत में, जिस व्यक्ति ने अपना 27 साल 28 साल 29 साल दे दिया हो संगीत में, तो वो रियल में कलाकार है, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि स्पेशली जैसे पवन भैया हैं, तो मैं अब आप जब बात करें तो मैं कलाकार की बात करूँगा, उनकी खैसियत यही है आज तक में कि वो हमेशा जब भी आएंगे तो वो अपने अंदाज में आते हैं, उनका एक मूड होता है, वो कुछ भी होगा, संगीत कहीं चीज़ होगा लेकिन संगीत में बात उनका होगा, अंदाज उनका होगा। वो अगर सपोज डेट कभी किसी ट्यून को छुए भी हैं, सपोज डेट कभी छुए भी हैं, तो उसका छूने का अंदाज पवन सिंह का होगा, धारा प्रवाह में नहीं होगा। तो अब क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं क्यों, तो वो रियल में कलाकार है। जिस व्यक्ति ने अपना 27 साल 28 साल 29 साल दे दिया हो संगीत में, तो वो रियल में कलाकार है।